कोरोना संक्रमण बंदी के बाद अनलॉक में अपराधी भी अनलॉक हो गए हैं। मोतिहारी नगर थाना के बलुआ चौक के राज मार्केट के दवा व्यवसायी नवल प्रसाद की गोली मारकर अपराधियों ने हत्या कर दी। देर रात जब बाजार सुनसान हो गया तभी करीब 9:30 बजे मोटरसाइकिल पर सवार अपराधियों ने गोली मार दी। गोली व्यवसायी के सीने के दाहिने तरफ लगी। पड़ोसी दुकानदारों ने घायल दवा व्यवसायी को आनंद फानन में सदर अस्पताल में पहुंचाया, लेकिन इलाज शुरू होने के साथ व्यवसायी की मौत हो गई। घटना के तत्काल बाद नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जबकि घटना की सूचना मिलते ही एसपी और पुलिस अधिकारी सदर अस्पताल पहुंचे। सदर अस्पताल में जांच के बाद पुलिस अधिकारियों का दल घटनास्थल पर पहुंचा और जांच शुरू कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मोटरसाइकिल पर सवार दो अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। वहीं मृत व्यवसायी के पुत्र भारद्वाज ने बताया कि पूर्व से किसी का कोई झगड़ा नहीं था, कोई विवाद भी नहीं था और न ही किसी से कुछ मांग की गई थी। घटनास्थल पर पहुंचे एसपी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और अपराधियों तक पुलिस शीघ्र पहुंच जाएगी। घटना के तत्काल बाद दवा व्यवसाय से जुड़े लोगों के सदर अस्पताल में पहुंचने का क्रम जारी है। मृत व्यवसायी मोतिहारी नगर से सटे रघुनाथपुर गांव का निवासी बताया जा रहा है, जो कि पूर्व में मोतिहारी नगर के प्रसिद्ध चिकित्सक के यहाँ बतौर कंपाउंडर नौकरी करता था। साथ ही जमीन के कारोबार से भी जुड़े होने की बात सामने आई है। क्या हुआ? क्या करते हैं? दवा व्यवसायी। कौन सी का दुकान है? दवा का है। पहले से किसी का विवाद? ना कोई विवाद। कोई रंगदारी की मांग? कोई मांग नहीं। तुरंत पता चला है कि एक दवा दुकानदार है, बलुआ चौक पे है इनकी दुकान, इनको गोली लगी। अभी हम लोगों को सूचना मिली तो हम लोग हॉस्पिटल आए हैं और अभी पता चला कि इनकी मृत्यु हो गई है। अभी हम लोग आगे वहीं घटनास्थल पे जा रहे हैं जहाँ पे इनकी दुकान है। तो दोस्तों, अपने क्षेत्र अपने शहर की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल प्रकाश वाणी द प्राइम ओपिनियन को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपने मतलब की खबर मिले सबसे पहले।